हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को आगामी रबी खरीद सीजन 2021-22 के दौरान फसलों की सुचारू खरीद हेतु किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की बैठक की। बैठक में बताया गया कि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा। यह भी बताया गया कि रबी खरीद सीजन के दौरान राज्य सरकार 1975 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 4650 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से 8 लाख मीट्रिक टन सरसों, 5100 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से 11000 मीट्रिक टन चना और 5885 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से 17000 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद करेगी, जबकि राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 399 मंडियां स्थापित की जाएंगी। सरसों के लिए 71 मंडियां, चना के लिए 11 मंडियां और सूरजमुखी के लिए 8 मंडियां बनाई जाएंगी। एजेंसी से किसानों को सीधे या आढ़तियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान का विकल्प पंजीकरण के समय लिया जाएगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों की सहायता के लिए एक पूरी तरह से कार्यात्मक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि दिसंबर 2020 के महीने में आढ़तियों के साथ बैठक करके नई ई खरीद सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा फरवरी में एजेंसियों और HSAMB कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि खरीद शुरू करने की प्रक्रिया सुचारू बनी रहे। बैठक में बताया गया कि भुगतान मॉड्यूल भी ई खरीद का एक हिस्सा होगा और इस उद्देश्य के लिए कई बैंकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। जब भी भुगतान किया जाएगा तो प्राप्तकर्ता आढ़तियों या किसानों को एक SMS भी भेजा जाएगा। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रबी 2021 के दौरान भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हितधारकों की सहायता के लिए एक कॉल सेंटर संचालित भी किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।